आज की वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आखिर होता क्या है और इसको कैसे बनाते हैं, कैसे पहले पहचानते हैं उसके बाद कैसे बनाते हैं। इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो भी है, जितने भी टेंस के टाइप हैं, वो याद करने से नहीं होता है। याद करते हम लोग भूल जाते हैं, तो प्रैक्टिस करने से ही ये हमेशा दिमाग में याद होता है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस को अगर बनाते हैं, बार बार बनाते हैं, क्वेश्चन से बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो हमेशा के लिए याद हो जाता है वो। और प्रैक्टिस अगर दोबारा कभी प्रैक्टिस करते हैं तो तुरंत बनता है, और हम लोग याद करके और प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं। इसलिए आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसको प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आता है, या पास्ट टेंस नहीं आता, फ्यूचर टेंस नहीं आता, तो आज से मैं पार्ट बाय पार्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊंगा कि इसमें कैसे बनाते हैं। सिंपल सा रूल है, अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे कि आखिर इसको पहचानते कैसे। पहला नियम है हमारा पहचानना, पहले पहचानेंगे तभी तो हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई रूल मीन्स पहचानेंगे कैसे। आइडेंटिफाई रूल, अगर आप लोग टेंस के बारे में नहीं जानते हैं तो टेंस के बारे में ये समझिए कि टेंस आखिर होता ये है कि जिससे हमें समय का पता चलता है, और हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा काम कितने समय के लिए हुआ है और कितना हुआ है, इससे यही पता चलता है टेंस में। जैसे प्रेजेंट टेंस यानी ये अभी प्रेजेंट में हो रहा है, अभी हो रहा है, पास्ट में जो बीत गया, और फ्यूचर यानी भविष्य का, इतना इतनी सी बात तो सबको पता है, यही तो टेंस है। अब इसके टाइप जो होते हैं, टाइप से ही हमें डिसाइड करना होता है कि ट्रांसलेट किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले आइडेंटिफाई रूल, कुछ नहीं करना है, अंत में क्या लगा रहेगा। देखिए यहाँ पे अगर देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, तीनों में होता है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर सब में होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल का मतलब अंत में ता रहेगा, सिंपल का मतलब क्या है, अंत में ता। एक ही से देखिए पास्ट का भी बन जाएगा पहचानने का नियम और फ्यूचर का भी, अंत में ता। अब प्रेजेंट का मतलब होता है हो हूँ। अगर प्रेजेंट अगर दिख जाए तो उसका अंत में है हो हूँ लगा रहेगा, और सिंपल कोई भी टेंस दिख जाए, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे प्रेजेंट का, कोई भी टेंस हो, सिंपल अगर दिख जाए, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तो उसके अंत में पक्का ता लगा हुआ रहेगा। कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें ता नहीं लगा होगा, लेकिन पक्का आपको ता लगा रहेगा। अब उसके बाद प्रेजेंट का बात है, तो प्रेजेंट में हमेशा है हो हूँ लगा ही रहेगा, चाहे वो कोई भी प्रेजेंट हो, प्रेजेंट का कोई भी टाइप हो। आप देख सकते हैं प्रेजेंट का अगर कोई भी टाइप हो उसमें है हो हूँ लगा रहेगा, लेकिन जो टाइप होगा प्रेजेंट का उससे पहले यही चेंज होगा। सिंपल में था, कंटिन्यूअस में कुछ और रहा रही रहेगा। तो अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं, ज्यादा गैदरिंग नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, हल्का हल्का हम लोग क्लियर करके पढ़ेंगे। एक बार में ये नहीं कि एक घंटा का वीडियो देख लिया पूरा टेंस कंप्लीट हो गया, उस तरह से नहीं होगा, उस तरह से टेंस नहीं पढ़ा जाता। ध्यान देखिए आइडेंटिफाई रूल, अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, ती हो लगा रहे हैं। देखिए आइडेंटिफायर उसका रूल क्या हो गया, अंत में ता है, ती है, ते है, ता हो, ता हूं, ते हो, ती हो इत्यादि लगा रहे। देखिए इसी से बना ना, सिंपल का मतलब ता ते ती रहेगा, ता ते ती, और प्रेजेंट का मतलब है हो। तो यहाँ क्या बना, अंत में ता है, ती है, ते है, तो इतना याद करने की जरूरत नहीं, क्या याद करिएगा,
खाली अंत में याद रखिए कि ता वाला कोई भी वर्ड आ जाए, ता वाला कोई भी वर्ड आ जाए, और लास्ट में है वाला कोई भी वर्ड आ जाए, है हो हूँ ऐसा वाला, अगर हाथ दिख जाए, देखिए समय हाँ है ना, तो अंत में ता और लास्ट में है वाला कोई वर्ड दिख जाए, तहाँ ते ती तू कुछ भी हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। इसका देखिए आइटम मेकिंग रूल, उसके बाद भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। आइडेंटिफाई रूल, ये आइडेंटिफाई रूल हो गया। अब उसके बाद मेकिंग रूल, मेकिंग रूल क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है सबको पता है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा वर्ब वन प्लस वर्ब फाइव, या वर्ब फाइव होगा प्लस नहीं होगा, या वर्ब फाइव होगा प्लस ऑब्जेक्ट, ये होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट आखिर होता है क्या, अगर नहीं पता है तो सब्जेक्ट जो होता है कर्ता होता है, यानी जो करने वाला होता है ना, जो करने वाला व्यक्ति होता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। जो जैसे मैं खेलता हूं तो कौन खेलता है, मैं खेलता हूं तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसे यहां पे मैं खेलता हूं, एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन क्या हो गया, मैं खेलता हूं तो यही तो हमारा कर्ता हो गया, करने वाला, यही तो हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद भर, भर क्या होगा, कोई काम यानी क्रिया, यानी भर जो होता है काम हो गया, क्या चीज का काम हो रहा है, कोई काम यानी क्रिया क्या चीज का हो रहा है, खेलने का, यही तो हमारा क्रिया हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे सामान कोई हो गया, कोई सामान या वस्तु बोल सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया सब्जेक्ट भार प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा आइडेंटिफायर रूल, ये हो गया ये वाला, और ये मेकिंग रूल हो गया। बस इतना ही समझना है, सब्जेक्ट हो गया आपका कर्ता करने वाला, भार हो गया आपका काम क्रिया, ऑब्जेक्ट हो गया वो सामान या वस्तु। अब हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, तुरंत सीख जाइएगा, आज के वीडियो में ही आप सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख जाइएगा, और थोड़ा सा अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगा बनाने के लिए, अगर वो आप बना लेंगे तो मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। कुछ क्वेश्चन भी दूंगा मैं प्रैक्टिस के लिए, 5-6 क्वेश्चन दे दूंगा लास्ट में, आप बैठे बैठे भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन पेपर उठाए आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, अभी छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि अभी ट्रांसलेशन भी बताना है। ये होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। मेकिंग रूल हम लोग आइडेंटिफाई रूल क्या लिखे थे, आइडेंटिफाई रूल क्या लिखे था, अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसा वाला रहेगा, और आइडेंटिफाई रूल हो गया मेकिंग रूल। मेकिंग रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि आइडेंटिफाई रूल हो गया और मेकिंग रूल, सीधा सीधे लिख दिया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सीखने वाली बात है कि वी वन तो हमें पता है कि वी वन क्या होता है, जैसे रीड हो गया, राइट हो गया, ये हमारे तो वी वन हो गया, लेकिन वी फाइव क्या होता है, ये कैसे कब यूज होता है, इसको थोड़ा जानना है। वी फाइव हमारा वी वन ही होता है, वी वन में अगर हम लोग एस या ई एस जोड़ दें तो वही हमारा वी फाइव होता है। जैसे रीड, रीड में एस जोड़ देंगे, रीड्स हो गया राइट्स, रीड हो गया राइट्स हो गया, राइट में एस जोड़ दिए और रीड में भी एस जोड़ दिए, यही हमारा वी फाइव हो गया। लेकिन वी फाइव यूज कब होता है, वी फाइव यूज तभी होता है जब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, सी, इट और नेम लगा हुआ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में
सी इट और सिंगुलर नेम। लगा हो तो भार में क्या करेंगे, एस या ई एस जोड़ देंगे। ये 5 सेकेंड थर्ड ये काम करना है। सबसे पहले यहां पे देखिए आइडेंटिफायर रूल हो गया, मेकिंग रूल हो गया, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही सी इट और सिंगुलर नेम रहा तो भर में एस या ई एस जोड़ देंगे, खत्म हो गया। अब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं। ट्रांसलेशन बनाते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे पहला एग्जांपल लेते हैं कि मैं लिखता हूं, अभी क्या कर रहा हूं, मैं लिखता हूं, ये कौन सा टेंस का है, लास्ट में है, हो, हूं है, ये तो प्रेजेंट का लाया अंत में, लेकिन अंत में ता है तो क्या कहलाएगा, सिंपल। तो क्या हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए आइडेंटिफाई रूल है ना, ता है, ती है, ते हूं। अब इसका मेकिंग रूल देखेंगे तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैं का क्या होता है, इंग्लिश आई। अगर आपको नहीं आता है मैं का इंग्लिश, लिखना का इंग्लिश नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। और मैं जो भर्ब है लिखना पढ़ना, राइट, तो इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपको ये सब्जेक्ट वगैरह अगर नहीं आता हिंदी तो उसका मैं बना दूंगा। तो यहाँ पे देखिए आई हो गया, उसके बाद V1 या V5, तो आई है तो इसमें तो V5 लगेगा नहीं क्योंकि ही सी इट और नेम नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, V1। तो लिखना का क्या होता है, लिखता का राइट हो जाएगा, आई राइट, खत्म, बन गया ट्रांसलेशन। अब दूसरा देखते हैं, वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है तो क्या, वह का क्या हो जाएगा, वह लड़की के लिए कभी क्या यूज करते हैं, सी, सी हो गया। अब उसके बाद देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब, वर्ब क्या, पकाना, पकाना क्या होता है, कुक, कुक का भी मैं वीडियो बना दिया हूं कि कुक का क्या होता है, रेड का क्या होता है। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होता है, वो सामान या वस्तु क्या होता है, खाना, तो खाना का क्या होता है, फूड, हो गया, बन गया ट्रांसलेशन। अभी और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, जितने क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, थोड़ा और 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सारा अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन नहीं लेंगे, नहीं तो टाइम लॉस हो जाएगा यूट्यूब को। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, कि वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। देखिए वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा चेंज कर 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 लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएगा कि अलग अलग सब्जेक्ट वाला कैसे यूज कर रहे हैं। वे लोग का क्या होता है आप बताइए, वे लोग का क्या होता है, दे, दे होता है, और उसके बाद क्या आता है, भर्ब, भर्ब क्या लगाएंगे, खेलना का, खेलते का क्या होता है, प्ले, सबको पता है, दे प्ले। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिकेट, क्रिकेट का क्या होता है, स्प्रिंग, नहीं पता है, देख लीजिए, CRICKET, क्रिकेट हो गया, दे प्ले क्रिकेट, कंप्लीट हो गया। अब और हम लोग बनाएंगे, अभी थोड़ा और सीखते हैं, वीडियो का अंत तक देखिए क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। दे प्ले क्रिकेट हो गया, अब हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनाते हैं, देखिए वे लोग का ही थोड़ा बनाते हैं, इसका एक और बताते हैं, वे लोग हंसते हैं। अभी मैं बताया हूं ना कि अंत में ता तेती रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि अंत में जहां ता तेती रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, और उसी का मेकिंग रूल लगाएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया, वे लोग का क्या होता है, देखिए वे लोग का दे होता है, वे लोग का दे होता है, या फिर एक और वर्ड होता है दे की जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, वो होता है दोज, दोज पीपल,
लो का क्या हो गया पीपल और वे का हो गया दोज। जब भी अगर वे अलग से दिया रहेगा, सिर्फ वे दिया रहेगा तो दोज लगाएंगे, अगर वे सब दिया रहेगा तो भी दोज लगा। अभी ट्रांसलेशन बनाते हैं इससे भी, देखिए तो अब वे लोग रहेगा तो दे लगाएंगे या दोज पीपल, दोज पीपल हसना का क्या होगा लाप, एल ए यू जी एच लाप हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे सब गाना गाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वे सब गाना गाते हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे वे सब। तो बहुत लोगों को वे सब का नहीं पता है, तो वे सब का क्या आता है दोज। अगर यहां सब नहीं रहता वे गाना गाते हैं, लोग तो नहीं लिखा हुआ है, वे गाना गाते हैं तो दोज ही लगता, अगर सब रहेगा तो भी दोज ही लगेगा, तो दोज। उसके बाद गाना गाते हैं तो भर क्या है यहाँ पे, गाना है या गाते हैं, गाते हैं, यही हमारा क्या काम हो रहा है गाने गाते का, तो गाते का क्या होगा सिंग। अब उसके बाद सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या हो गया सॉन्ग। जब भी कोई एक चीज होता है तो उसे पहले ए लगाते हैं, सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि गाना एक ही गाना गा रहे, गाने तो बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ गाने तो नहीं ना लिखा हुआ है, गानों हो जाएगा, गाने तो नहीं ना लिखा हुआ है, इसलिए एक गाना लिखा हुआ है तो ए सॉन्ग लगाते, चाहे एक लिखा रहे चाहे ना लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब अंग्रेजी सीखते हैं, क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन, थोड़ा सोचिए। वे सब अंग्रेजी सीखते हैं, इसका क्या ट्रांसलेशन बनेगा, थोड़ा सोचिए। आप इतना बता दिया, अब थोड़ा अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। देखिए ये सब का क्या होगा, थोड़ा नॉलेज रखिए, दीज उसका क्या था, दीज मतलब ये सब, दीज वाला तो बता दिए ना, इसको वे सब कर देते हैं। वे सब का क्या होता था दोज होता था, वो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, वे सब का क्या होता था दोज, और दीज मतलब ये सब होता है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए बता दे रहे हैं क्लियर हो जाएगा। वे सब का क्या होता है दोज, दोज होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, अब उसके भर भर भी यहाँ पहचानिए, यहाँ काम क्या चीज का हो रहा है, सीखने का काम हो रहा है, सीखना क्या है लर्न। उसके बाद क्या होगा इंग्लिश हो जाएगा, अंग्रेजी का क्या होता है इंग्लिश। वे सब अंग्रेजी सीखते दोज लर्न इंग्लिश। अगर यहाँ पे वे सब हटा के ये सब रहता, ये सब अंग्रेजी सीखते हैं तो क्या लगाते हैं यहाँ पे दीज। दीज का हमेशा यूज निकट की वस्तु के लिए किया जाता है, यानी नियरेस्ट थिंग के लिए किया जाता है, नियर की वस्तु के लिए। और दोज मतलब वे सब, वे लोग, यानी दूर की वस्तु के लिए किया जाता है, यानी दूर का अगर कुछ भी रहे ना तो दोज लगाएंगे, और सामने का रहेगा तो दीज लगाते हैं। तो ये मतलब हो गया सामने होगा, यहाँ पे देखिए ये सामने है, दूर मतलब दोज। और ट्रांसलेशन बनाते हैं कुछ, अभी नेम वाला बनाते हैं, जैसे कोई नाम ले लेते हैं, आप ही नाम मान लीजिए कोई नमन है, नमन क्या करता है, नमन अंग्रेजी बोलता है, नमन अंग्रेजी बोलता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो नमन का इंग्लिश लिखेंगे एन ए एम ए नमन, ये तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद भार, भार भी क्या है हमारा, इसमें भार पहचानिए क्या है, काम क्या है इसमें, बोल लेगा, तो बोलना का क्या होगा स्पीक। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अंग्रेजी इंग्लिश हो जाएगा, लेकिन गलत है ये, कैसे गलत है, यहाँ देखिए क्या बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही सी इट और सिंगुलर नेम लगा रहे हैं, तो भर में क्या लगाएंगे एस या एस, तो ये क्या है सिंगुलर नाम है ना, एक नाम है, अगर दो नाम रहता नमन एंड श्याम,
नमन एंड श्याम रहता दो नाम तो क्या लगाते एस या एस नहीं लगाते, लेकिन यहाँ एक ही नाम है, सिंगल नाम है, तो यहाँ भर में क्या करेंगे एस लगा देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गाय घास चरती है, गाय घास चरती है तो क्या लिखेंगे द काउ। देखिए कोई भी पर्टिकुलर थिंग रहेगा, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन थिंग यानी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति रहेगा, खास आदमी खास वस्तु, तो द का यूज करते, जैसे द महात्मा गांधी, द माउंटेन, द रिवर, द काउ, द हॉर्स, इस तरह से। तो यहाँ द काउ हो जाएगा ये सब्जेक्ट। अब भर्ब तो आपको बता ही दिए हैं कोई काम, तो चरना काम हो गया यहाँ पे, तो ग्रेज होता है चरना का। अब उसका ऑब्जेक्ट क्या है खुद बताइए, घास, घास का क्या होता है ग्रास। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है सिंगुलर नाम है ना, तो ग्रेजेस हो जाएगा ना यहाँ पे, भर में एस जुट जाएगा, जुटेगा ना भर में एस यहाँ पे। हाँ थोड़ा सा और बता देते हैं यहाँ पे, अगर गाय घास चरती है ऐसा रहा तो क्या करेंगे प्लुरल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है द काउच ग्रेज ग्रास हो जाएगा, एस नहीं लगेगा क्योंकि प्लुरल नाम हो गया ना, सिंगुलर नाम होना चाहिए, ज्यादा नाम ही हो गया तो ग्रेज ही लगेगा सिर्फ, एस नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा इसमें। और ट्रांसलेशन बता देते हैं, तुम लोग वाला छोड़ दिए ना, तुम लोग हम लोग, तुम स्कूल जाते हो, तुम लोग स्कूल जा, तुम स्कूल जाते हो, तो इसका क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तुम का इंग्लिश क्या होता है यू, उसके बाद वर्ब क्या है जाते, जाते का क्या होगा जाना हो या जाते हो जाने वाला कहीं भी। देखो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, जाना का मान लीजिए गो होता है, फिर जाते का समझिएगा क्या होता है, नहीं सेम चीज होता है, सेम वर्ड जाने का बात हो रहा है, जाता है या जाते हैं या गए हैं गो ही होता है, सिर्फ थोड़ा सा बोलने का तरीका चेंज होता है, इसका क्या होगा गो। और जब भी जाने आने की बात हो तो टू लगा ही दीजिएगा, कम टू गो टू, इस तरह से। अब स्कूल ऑब्जेक्ट है ना, लिख दिया यू गो टू स्कूल, खत्म। अभी थोड़ा मैं अभी क्या बता रहा हूँ हिंदी से इंग्लिश, अभी थोड़ा दो तीन इंग्लिश से हिंदी भी बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ हम लोग त्योहार मनाते हैं, क्या लिखे हम लोग त्योहार मनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हम लोग का क्या हो जाता है वही जो सब्जेक्ट है, उसका भर्ब क्या मनाना, मनाता का क्या होता है सेलिब्रेट, और त्योहार का क्या होता है एक्चुअली में फेस्टिवल। और यहाँ पे एक जरूरी बात बताना चाहता है जिसको ट्रांसलेशन नहीं आता है और वो सीखना चाहते हैं, जिसको ट्रांसलेशन नहीं आता सीखना चाहते हैं, वो जल्दी से सीखना चाहते हैं, तो एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए अगर आपको मेकिंग रूल भूल गए हैं, आइडेंटिफायर रूल भूल गए हैं, तो सिंपल सा सीखिए। यहाँ पे देखिए जब भी कोई ऐसा सेंटेंस रहे अगर भूल गए हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश बना लीजिए हम लोग का भी। अब स्टार्ट कीजिए पीछे से, पीछे से स्टार्ट कीजिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है का इंग्लिश नहीं लगता, इज आर एम नहीं लगता, डायरेक्ट इसका नहीं लगता, तब क्या आएगा मनाते, मनाते क्या सेलिब्रेट होगा, और सेलिब्रेट के बाद क्या त्योहार, त्योहार का फेस्टिवल हो गया, इसी तरह होता है। अभी एक एग्जांपल और देते हैं, अगर आइडेंटिफायर रूल नहीं पता है तो कैसे बनाएंगे तुरंत, नया एग्जांपल लेते हैं। हुआ किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, अब देखिए कैसे बनेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के लगा देंगे अगर मेकिंग रूल नहीं पता है, देखिए उसके बाद पीछे जाएंगे, पीछे से तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज आर एम तो लगता नहीं है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे,
पढ़ता का क्या होगा, रीड किताब का, उसके बाद ये फर्स्ट नंबर पे और ये सेकंड तो नंबर पे होगा नहीं क्योंकि इसका लगता नहीं, इसको हटाएंगे, इसको सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, और उसके बाद किताब का क्या होगा, बुक, ये रेड बुक। लेकिन क्या बताए थे, एस या एस लगता है, ये सीट रहता है तो एस लग गया, खत्म। अब हम थोड़ा सा इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश बनाना, अब इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं। जैसे इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाएंगे, जैसे कोई इंग्लिश लिखा हुआ आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, तो इसमें भी सेम टू सेम उसी तरह करना। देखिए कैसे करेंगे, आई का हिंदी लिख देंगे मैं, अब पीछे से स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश लिखा हुआ तो अंग्रेजी लिखेंगे, और स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना। लेकिन ये इस जगह में नहीं लगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें क्या लगता है लास्ट में ताते थी, तो बोलना की जगह क्या होगा, बोलता हो जाएगा। अब मैं अंग्रेजी बोलता तो मैं के साथ क्या लगेगा, लास्ट में हूं, बन गया इंग्लिश से हिंदी आराम से। अगर हम लोग देखते हैं मेकिंग रूल से कैसे बनाते हैं, देखते हैं, तो इसका अलग मेकिंग रूल होता है हिंदी वाला का। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब लगता है इसमें हिंदी वाला में। हिंदी वाला मेकिंग रूल जो होता है, क्या होता है हिंदी मेकिंग रूल, इसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये काम होता है हिंदी। अगर इंग्लिश से हिंदी बनाना है ये देखिए, इंग्लिश से हिंदी अगर बनाना है तो मेकिंग रूल देखिए उस तरह से, सब्जेक्ट का हिंदी प्लस वर्ब का हिंदी प्लस ऑब्जेक्ट का हिंदी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का हिंदी क्या देखेंगे, मैं, आई का मैं, उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब नहीं, वर्ब तो सेम लिख दिया ना, ऑब्जेक्ट होगा, उल्टा हो जाता, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, ये तो सेम हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, क्योंकि ये तो मेकिंग रूल तो मैं हिंदी से इंग्लिश का लिख दिया ना, उल्टा हो जाता, ऑब्जेक्ट पहले फिर वर्ब लास्ट में, तो मैं हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश अंग्रेजी, अब ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है स्पीक मतलब बोलता हूं। इस तरह से सारे बन जाएंगे, सारे ट्रांसलेशन बन जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, अगर हार्ड से हार्ड वर्ड भी आपको नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। तो इस तरह से बनाइए, अभी मैं कुछ ट्रांसलेशन देता हूँ आपको बनाने के लिए, उसके बाद वीडियो क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं विद्यालय जाता हूँ, ट्रांसलेशन बनाइएगा इसका, मैं विद्यालय जाता हूं, वे लोग फिल्म देखते हैं, मैं पानी पीता हूं, वह हंसता है, हम लोग नाचते हैं। ये पांच बना लीजिएगा तो यकीन है कि आप सीख जाइएगा अच्छा से। उसके बाद मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव बताऊंगा कि नेगेटिव कैसे बनाते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाला कैसे बनाते हैं, जिससे वे लोग क्या कर रहे हैं इस तरह से। उसके बाद मैं पास्ट टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं पास्ट टेंस नहीं, इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता उसका सारा बताऊंगा, एक एक करके मैं पूरा टेंस कंप्लीट कर दूंगा। कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर मैं पूरा टेंस कंप्लीट कर दूंगा, अगर आप रेगुलर वीडियो देखेंगे तो। आज की वीडियो में इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।